देखिए बाबू, तो आज का क्लास स्पेशल क्लास है क्योंकि आज सिर्फ ग्रेचुटी का ट्रीटमेंट करेंगे। पूरा सम्स करने के बाद अगर आपको टाइम मिले तो ये वाला ट्रीटमेंट देख लीजिएगा। बात समझे, नॉट टू इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स, बट कभी कभी क्या होता है कि 5 मार्क्स में अलग से कर दे दिया तो वो बैकअप के लिए ही हम लोग पढ़ रहे, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझे ना, तो क्या है नया चीज़ है इसलिए बच्चों को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे बोले ग्रेचुटी देखिए ग्रेचुटी क्या होता है। तो कॉपी में लिखिए एक एक करके की पॉइंट्स, पहले नोट्स बनाइए। इट इज़ द रिटायरमेंट बेनिफिट, कैसा बेनिफिट बाबू? रिटायरमेंट। ग्रेचुटी क्या है? तो ग्रेचुटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। जैसे कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद आप 10 साल 15 साल 20 साल उस कंपनी में काम किए, काम करने के बाद आप कंपनी छोड़ के चले गए, तो आप जो कंपनी को सर्विस दिए हैं उसके बदले कंपनी आपको आउट ऑफ रिस्पेक्ट कुछ पैसा देगा, उसको बोलते हैं ग्रेचुटी। इसीलिए क्या नाम ग्रेचुटी है। बात समझिए ना, जैसे आपने कंपनी को पास सर्विसेज दिया, जो भी सर्विसेज आपने कंपनी को दिया उस सर्विस के लिए कंपनी आपको कुछ देगा, रिटर्न में कुछ देगा, उसको क्या बोलते हैं बताइए? ग्रेचुटी। लिखिए पॉइंट नंबर टू, इट इज़ अ लमसम पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर पास्ट सर्विसेस। दो पॉइंट हो गया बताइए। तो ये क्या है? ये एक अमाउंट है जो पेड कौन करता है बताइए? एम्प्लॉयर। किसको पे करता है बताइए? एम्प्लॉई को। किसके लिए बताइए? पास सर्विसेज। इट इज़ अ लमसम पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द क्या बाबू? एम्प्लॉई, फॉर द पास सर्विसेज। चलिए पॉइंट नंबर थ्री लिखिए। एनी ग्रेचुटी एनी ग्रेचुटी रिसीव बाय एम्प्लॉई हु आर वर्किंग अंडर government is exempted। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप government employee हो और retirement के time में आपको government से gratuity मिलेगा, उसके ऊपर कोई tax नहीं लगेगा। Clear है rule? Rule को देखिए, tax पूरा rule का खेला है। Tax में जिसको rule पता है वो gainer है। क्या बाबू? Gainer। उसको rule नहीं पता है वो नुकसान में चला गया। बात समझे ना, जैसे डिप्रिसिएशन डिडक्शन का भी वीडियो डाले हुए आप देखिएगा ऐप में, व्हाट्सएप में आकर के कितना आपको लगे जब अभी तो इजी, खाली रूल समझना, रूल समझ गया तो चैप्टर इजी, रूल नहीं समझे तो चैप्टर आज किस में कितना परसेंट डिडक्शन मिलेगा बस वो देखना होगी। उसके बताइए कितना पॉइंट हो गया बताइए? तीन। पॉइंट नंबर चार लिखिए, एनी ग्रेचुटी received by any gratuity received by employee any gratuity received by employee during the continuation of service during the continuation of service is
फुल्ली टैक्सेबल। वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयज, वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयज। यस, हो गया बाबू। देखिए तो भाइयों और बहनों, देखिए सीन को समझिए। अगर ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के टाइम में मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो टैक्स नहीं लगेगा, और अगर ग्रेच्युटी सर्विस के बीच में, मतलब काम कर रहे हो आप, काम में भी हो, ग्रेच्युटी ले रहे हो, तो आप गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, वो क्या होगा बताइए? टैक्सेबल। वो क्या होगा बताइए? टैक्सेबल। वो क्या होगा बताइए ना? टैक्सेबल। वो टैक्सेबल होगा, बात समझे? कंटिन्यूशन ऑफ सर्विस और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस वाला सीन है, बात समझे? तो आपको ये देखना होगा कि भाई कंटिन्यूशन ऑफ सर्विस है कि टर्मिनेशन ऑफ सर्विस है, उसके देखिए। हाँ, अगला पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल वन, इट सम्स लिखिए छोटा सा। एग्जाम्पल वन क्वेश्चन बोले, मिस्टर बीज है, क्वेश्चन लिखिए, मिस्टर बीज है इज अ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर। मिस्टर विजय स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर है, जस्ट एन एग्जाम्पल। मिस्टर विजय इज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर ऑन 1st July 2022, ऑन 1st July 2022 ही रिसीव्ड ग्रेच्युटी ऑफ 50,000 उसके लिखिए ऑन 1/1/2023 ऑन 1/1/2023 ही रिसीव्ड टर्मिनेशन ग्रेच्युटी, he received termination gratuity 10, termination gratuity 10 lakh termination gratuity 10 lakh uska dekhiye। हो गया बाबू। उसके लिखिए हिज लास्ट ड्रॉन सैलरी वॉज, उसी लिखिए हिज लास्ट, उसी में हिज लास्ट ड्रॉन सैलरी वॉज, हिज लास्ट ड्रॉन सैलरी वॉज, हिज लास्ट ड्रॉन सैलरी वॉज वॉज 25,000 पर मंथ, पर मंथ। फाइंड हिज टैक्सेबल ग्रेच्युटी, फाइंड हिज टैक्सेबल क्या बाबू? ग्रेच्युटी। मतलब कौन सा ग्रुप आप एक बार फिर से देखो, होगा कई ग्रुप को तो हम लोगों ने रिमूव किया नहीं है, एक बार प्लीज आप देखिए। FM चलिए देखिए, ग्रुप तो अभी भी दिखा रहा बाबू, आप एक बार चेक करो ना क्या प्रॉब्लम है।
समझ गए। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए सम से। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर समझने का, ये देख के आदमी डर जाता है कि कोई सम्स दे दिया, सम्स नहीं, कॉन्सेप्ट चाहिए, दिमाग लगाना है। क्या बोला क्वेश्चन में बताइए, ये आदमी स्टेट ऑफिसर है मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई, 50,000 काम करते करते लिया, 50,000 कैसे लिया, काम करते करते, वेरी गुड, 50,000 जो काम करते करते मिला वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। और 10,00,000 रुपया जो रिटायर होने के बाद मिला वो क्या होगा बताइए, नॉट टैक्सेबल, क्यों, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, क्या है, बस यही आंसर होगा, लिखिए सॉल्यूशन। 80-90 तो लाना होगा बाबू टैक्स में कम से कम, लिखिए सॉरी, सबसे इजी सब्जेक्ट टैक्स ही है, खाली रूल बहुत याद रखना होगा, रूल का चिंता आप छोड़ दीजिए, रूल हम रिवीजन करा देंगे आपको। लिखिए लिखिए, ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग, ठंडा लग रहा है यार, ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज, ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज फुली टैक्सेबल, इज फुली टैक्सेबल, दैट मीन 50,000 इज फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल, 50,000 ही कैसा टैक्सेबल होता है, फुली टैक्सेबल, अगला पॉइंट में देखिए, ठीक है मैं देखी, तुम्हें आवा के टेलीग्राम में हाई लिखी पाठ, हो गया बाबू, कितना नंबर थे बताइए, यस सॉल्यूशन कर रहे थे तो समझ गया ना, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, दो अलग सिनेरियो है, लिखिए ग्रेचुटी रिसीव्ड ग्रेचुटी रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम टर्मिनेशन ऑफ क्या बाबू सर्विस इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, टैक्स का एक लैंग्वेज होता है ना, वो जिसे तो जल्दी दिमाग थोड़ी मिलेगा, यस अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड फोन होगा ना तो आप ऐप में ऐड हो जाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा, बात समझे बाबू, ऐसे हम आपको उसमें ऐड कर दे रहे, क्या वहाँ पर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज है, आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगा, ऐसा नहीं, देखिए क्वेश्चन मतलब वो डाउट क्लियरिंग, जो क्वेश्चन हम लोग रोज बनाएंगे लेते हैं उसके डाउट क्लियरिंग है, बात समझे, हो गया बाबू, कोचिंग वाला बुक दीजिए, ये हो गया नहीं, सम्स कितने रुपये, क्या लिखे बताइए, ग्रेचुटी रिसीव ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इज फुली एग्जेम्प्टेड, दैट मीन no tax will be imposed, no tax will be imposed on 10 lakh, 10 lakhs, 10 देखिए हो गया, चलिए अब आइए कोचिंग का बुक में पेज नंबर 28, कोचिंग का बुक में पेज नंबर 28, दो रूल से ट्रीटमेंट, हाँ हाँ
कोई यूज नहीं है तो वो तो उसका यूज कोई नहीं, वो कन्फ्यूज करने के लिए दिया। ये एक सिनेरियो हो गया, एक टाइप का सम सीए हो गया, समझे ना, अगर दिया तो एक टाइप का सम सीए देगा। अच्छा एक मिनट, मान लीजिए एक मिनट एग्जाम्पल दे, आप सम्स बना रहे हो, आपको छोटा सा कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे दे दिए टैक्स स्टेटमेंट के लिए, तो देखिए देख के आदमी को क्या लगेगा सम्स है, बट सम्स तो है ही, डेफिनेटली सम्स है, लेकिन क्या है कॉन्सेप्चुअल सम्स है। इसको रूल नहीं पता उसके लिए बाउंसर जाएगा पूरा। अभी इससे पहले अगर आपको अचानक से बनाने बैठते नहीं बना पाते। अब आइए, अब कॉपी मेडिंग दीजिए। अच्छा पहले बुक का रूल पढ़ा देते हैं आप, रूल में आ जाइए पेज नंबर 28 में। रूल लिखा हो तो रूल क्यों लिखेंगे फालतू का, पेज नंबर 28 में आइए, कोचिंग का बुक में आइए ना प्लीज़, कोचिंग का बुक में आइए ना प्लीज़। आ गए, देखिए तो यहाँ पर सिनेरियो को समझिए। तो भाइयों और बहनों, अब कोचिंग का बुक वाला में हम लोग चलते हैं कि कोचिंग का बुक में जो सम्स दिया हुआ है, रूल दिया हुआ है, रूल नंबर सी में आ जाइए। ए और बी पढ़ा दिया आपको, देखिए सम्स करने से रूल ज़्यादा बेटर समझ आता है। ए और बी रूल पहले भी समझाए थे, ए और बी रूल हम लोग पढ़ाए, समझ आया क्या ए और बी रूल? ए और बी तो अभी पढ़ा है, देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ ना जी, कंटिन्यूएशन में टैक्स जो है लगेगा और टर्मिनेशन में टैक्स जो है नहीं लगेगा, कोई दिक्कत? अब आइए केस सी में, केस सी, केस क्या लिखा हुआ रूल को पढ़िए, एकदम रट्टा मार लेंगे रूल को, अब सम्स कराएंगे। ग्रेच्युटी रिसीव बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, सी और डी आपके लिए जो है एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो गया ज़्यादा। सी में क्या है, अगर वो बंदा को, अगर कोई बंदा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नॉन गवर्नमेंट माने की हो प्राइवेट आदमी है, अगर कोई बंदा प्राइवेट बंदा है, अगर कोई बंदा कैसा बंदा है बताइए, प्राइवेट, अगर कोई बंदा प्राइवेट बंदा है और उसको ग्रेच्युटी एक्ट में वो कवर्ड है, दो लॉ ग्रेच्युटी कानून में रजिस्टर्ड है, एक होता है ग्रेच्युटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं, एक होता है कि ग्रेच्युटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, एक होता है कि ग्रेच्युटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं, बस समझे, तो एक जो ग्रेच्युटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, एक जो ग्रेच्युटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ग्रेच्युटी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो क्या होगा, ग्रेच्युटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा, समझे, ये दो अलग अलग सिनेरियो है गाइस। ग्रेच्युटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो तो क्या होगा, नहीं हो तो क्या होगा, दोनों का रूल देखिए क्या अंतर है, दोनों का रूल माय डियर स्टूडेंट सेम है, एक वर्ड में समझिए, दोनों का रूल सेम है, खाली थर्ड वाला स्टेप अलग है, देख लीजिए ना, एक वर्ड में दोनों का रूल सेम ही है ना जी। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, जितना आपको मिलेगा ना उसमें से मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी क्या बाबू, एग्जेम्प्टेड, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी क्या बाबू, एग्जेम्प्टेड, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग क्या बाबू, एग्जेम्प्टेड, आपका जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग आपका एग्जेम्प्टेड, समझे, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग का मतलब समझते हैं, दोनों में से जो छोटा होगा, तीनों में से जो छोटा होगा वो आपको छूट मिलेगा, मतलब उसके अलावा जो अमाउंट होगा उसके ऊपर क्या लगेगा टैक्स, तो आपको बोलेगा ठीक है। सी और डी सिनेरियो में आप डिफरेंस देखिए, सी और डी का रूल में बहुत अंतर है, वो जब हम लोग अभी बनाएंगे तो आप रूल समझ पाइएगा। फिलहाल के लिए अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे तो सी और डी का रूल में क्या अंतर है बताइए, देखिए स्टेप ए सेम, स्टेप बी सेम, स्टेप सी देखिए, उसे 15 वर्किंग डे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितना साल आप सर्विस दियो 15 दिन के हिसाब से आपको सैलरी मिले। और यहाँ पर डी में देखिए, हाफ ऑफ द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, तो एवरेज सैलरी का अपना एक फार्मूला है, कंप्लीटेड ईयर का अपना एक फार्मूला है, वो जितना बोलेंगे ना उससे अच्छा बना देंगे तो आप समझ पाओगे। सम्स लिखिए, एक तो सम्स लिखिए ना जी, देखिए मिस्टर गुप्ता, देखिए मिस्टर क्या बाबू, गुप्ता, आप लोगों के गुप्ता है, देखिए मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड एंड रिसीव्ड ग्रेच्युटी ऑफ मिस्टर गुप्ता रिसीव्ड ग्रेच्युटी ऑफ 45,000। मिस्टर गुप्ता को ग्रेच्युटी मिला 45,000। मिस्टर गुप्ता क्या बाबू रिसीव्ड ग्रेच्युटी ऑफ कितना बाबू 45,000।
मिस्टर गुप्ता क्या रिसीव किया बताइए? ग्रेचुटी रिसीव किया। कितना रुपया रिसीव किया बताइए? 45,000 का ग्रेचुटी रिसीव किया। उसका देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है ही इज एन, उस लिखिए ही इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो कैसा एम्प्लॉय है बताइए? नॉन गवर्नमेंट। वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। कैसा एम्प्लॉय है? यस। नॉन गवर्नमेंट मतलब क्या? सरकारी की प्राइवेट? सरकारी की प्राइवेट। यस, वो प्राइवेट बंदा है। कैसा बंदा है? प्राइवेट बंदा है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, ही इज कवर्ड बाय द ग्रेचुटी एक्ट। ही इज कवर्ड बाय द ग्रेचुटी एक्ट। वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है। वो किस एक्ट में कवर्ड है बाबू? ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है। किस एक्ट में कवर्ड है बाबू? ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है। किस एक्ट में कवर्ड है बाबू? ग्रेचुटी एक्ट में। उसी में लिखिए, ही वॉज गेटिंग वेजेस ₹5 पर वेजेस ₹5 per unit। ही वॉज गेटिंग वेजेस ₹5 per unit। अब आइए, उसको वेजेस ₹5 की मिलता था। उसके में लिखिए, बिफोर रिटायरमेंट His last three month salary was 3750. Calculate taxable gratuity if calculate taxable gratuity if he left company after 40 years. चालीस साल सर्विस देने के बाद आप चले गए छोड़ करके, तो आपको ग्रेचुटी। अच्छा देखो, ये आदमी ग्रेचुटी एक्ट में क्या कवर्ड है कि नहीं है? कवर्ड है। अब आप खाली रूल खोल के रखिए, आप अपना सामने रूल खोल के रखिए, हम समझ बना के दिखाते हैं तो आपको समझने में सुविधा हो। पेज नंबर कितना था बाबू रूल का बताइए? 28। बहुत दिन से बच्चे बोला था ये बता दिए। देखिए हार्ड नहीं है, आप कोई चीज़ नहीं करते हो ना आपको लगता हार्ड है। जैसे डिडक्शन डिप्रिसिएशन आप नहीं किया था, अभी तक नहीं किया था, आप लग रहा हार्ड हो। जो करोगे लगेगा पहले ये चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा है, ऐसा आपको लगेगा। सीन क्या है, पढ़ना सब कुछ है। देखिए हम लोग पूरा इतना बच्चों को क्लास करा रहे, 1300 स्टूडेंट हम लोग का सिर्फ सेमेस्टर 4 का। तो हम लोग को क्या करना है, सबको तो ऐसे तो नहीं एक भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, सब टॉपिक कवर करना होगा। बात समझे ना, सिर्फ 900 स्टूडेंट तो सिर्फ ऑनलाइन क्लास में, मतलब देखिए होंगे मैं स्टेटस। बात समझे ना, तो आपको तो सब चीज़ कवर करना होगा, एक एक टॉपिक कवर करना, टॉपिक छोड़ जाओ। एग्जाम में जो आएगा वो तो प्रायोरिटी आपको बताते आ रहे, उसके अलावा आपको सब चीज़ पढ़ना होगा, एक भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। देखिए जितना स्टूडेंट का एडमिशन ले रहे तो पढ़ाना भी तो उतना उस लेवल में पड़ेगा ना बाबू, ऐसे पढ़ा देंगे तो पढ़ लेगा सब। बात समझिए, तो एक एक टॉपिक कवर करना पड़ेगा। अच्छा मंडे से ट्रिपल इंजन क्लास मिलेगा आपको। कैसा क्लास मिलेगा? ट्रिपल इंजन। एक दिन में तीन दिन तो क्लास आपको कम्प्लीट करना है, एक तो आप आके कर लेना, आज दो क्लास जो है आप अपना घर बैठ के कर लेना हर बैच में, जो लोग ऑफलाइन करते हो। अच्छा कभी किसी दिन नहीं आए तो उसमें भी कर लेना। लेकिन देखिए आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो आप लोगों को बोल रहे ये सेमेस्टर तो खत्म हो जाएगा, आप लोग में जिनको भी लगेगा ना कि नहीं हम रेगुलर क्लास नहीं कर पाएंगे, मेरा एब्सेंट आएगा, आप स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना। बात समझे, क्योंकि ऐसे क्या होता है आप ऑनलाइन ऑफलाइन रिमूव ऐड ये अच्छा नहीं लगता है। बात समझे ना, जो कहता है कि नहीं हम एब्सेंट हो जाएंगे, आप देखिए अगर एक महीना में दो दिन एब्सेंट करिएगा ना उससे पढ़ाई इंपैक्ट नहीं होगा, याद रखिए। लेकिन अगर एक महीना में आप 25 दिन एब्सेंट करिएगा तो पढ़ाई इंपैक्ट होगा। ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज़, इससे क्या होगा आपका पढ़ाई भी ठीक होगा और फ्लो में कर पाओगे। बस इसमें ऑनलाइन चक्कर में कुछ बच्चों का क्या हुआ ना, ऑफलाइन ठीक से कर पाए। देखिए लास्ट में उसके देखिए सेम 5 भी वेटिंग है। बस समझे ना, 2 में सप्ली, 3 में सप्ली, 4 में सप्ली,
ओ माय गॉड, आइए रेडी। नहीं कितना इजी है, खाली एक बार समझना है बस। स्टेप्स बताइए, पहला स्टेप क्या है बताइए, बोला टैक्सेबल ग्रेचुटी, पहला स्टेप क्या बताइए, बोलिए ना प्लीज, प्लीज बोलिए बाबू। देखिए रुपीस भाव बात नहीं मत करिए प्लीज, पर्टिकुलर्स ये तो कैलकुलेशन है, फॉर्मेट नहीं भी बनाने चलेगा। एक्चुअल ग्रेचुटी कितना बोलिए, 45,000। एक्चुअल ग्रेचुटी कितना बाबू, 45,000 आपको मिला है। इसमें से छूट क्या बताइए, लेस मिनिमम ऑफ फॉलोइंग, बाबू बात मत करिए ना प्लीज, क्यों ऐसा कर रहे। एक्चुअल ग्रेचुटी आपको मिला कितना है, 45,000। अब इसमें से फिर से रूल क्या बताइए, एक्चुअल ग्रेचुटी ये है ना जी, पैंतालीस हज़ार हमको मिला था, क्या नाम आ रहा देखिए तो आप, एक्चुअल ग्रेचुटी 45,000। उसके बाद वाला सेकंड वाला बताइए, सेकंड वाला रूल में क्या बताइए, 20,000। कोई दिक्कत है बोलिए, स्टैचुटरी अमाउंट, ग्रेचुटी ग्रेचुटी चिल्ला रहे थे रोज, लीजिए 20,00,000। ठीक है तीसरा रूल वाले ध्यान दीजिए, तीसरा वाला ध्यान दीजिए, ये दोनों में कुछ कन्फ्यूजन है गाइस, ये दोनों में कोई कन्फ्यूजन है बताइए, ए और बी में। 45,000 जितना मिला वो, और स्टैचुटरी लॉ के हिसाब से अमाउंट कितना है, 20,00,000। कितना बताइए, 20,00,000। और कम, और जो हम लोग वो थर्ड स्टेप देखिए क्या, वो खाली आप देख के बताओ हमको, 15/20 क्या है रूल, रूल पढ़िए, रूल पढ़िए बाबा, पढ़ नहीं रहे हो, क्या लिखा हो बोलिए, हाँ जोर से पढ़िए, सुनाइए नहीं दे रहा, हाँ बाबा आपने पढ़े अपने सुने, 15/26 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू कंप्लीटेड ईयर सर्विस इनटू क्या बोलिए, सॉरी सैलरी पर मंथ। अब देखिए क्वेश्चन है, वो लाइन बोली है तो ना चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, देखिए 15/26 इनटू कंप्लीटेड ईयर सर्विस, कितना साल सर्विस दियो बाबा, 40 साल, कोई दिक्कत, और उसके बाद क्या बोला बताइए, सैलरी पर मंथ, सैलरी सैलरी। तो क्वेश्चन में बोला है देखिए, हिज लास्ट 3 मंथ सैलरी वॉज 3750, उसका लास्ट 3 महीने का सैलरी कितना था बताइए, 3750। तो 1 महीने का सैलरी कितना हो, एवरेज सैलरी पर मंथ ये है ना जी, 3750 आपका सैलरी है 3 महीना का, राइट, 1 महीना का बोलिए 1250। बस और क्या चाहिए जिंदगी में, इंटू 1250 बोलिए कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा, करो इंटू करो बाबा, कैलकुलेटर वालों क्या हुआ, 28,846। तीनों में सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है, 28,846, इतना छूट मिलेगा, माइनस करके देखिए टैक्स आ जाएगा, कितना आएगा बोलिए, बोलिए 16,154, कॉपी करिए, बन गए, क्या हुआ, कितना हार्ड है बोलिए, वो रूल इतना बड़ा देखते हैं ना तो हम डर जाते हैं, बाप रे बाप क्या लिखा हुआ, देखिए 15/26 इंटू जितना साल सर्विस दिया वो, और इंटू उसका एवरेज सैलरी पर मंथ, वो जो 5 रुपया पर यूनिट दिया उसका कोई यूज़ है नहीं, वो खाली कन्फ्यूज करने के लिए दिया, उतारो उतारो,
देखिए हो गया अब तो इसमें क्या था, देखिए अब एक तो लिखिए और एक तो क्वेश्चन लिखिए। ये क्या था, ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड था, ये कवर्ड वाला आदमी था कि अनकवर्ड था बताइए, कवर्ड था। अब लिखिए लिखिए मिस पायल क्वेश्चन लिखिए, मिस पायल रिटायर्ड फ्रॉम कंपनी आफ्टर कंप्लीटिंग 30 years, आफ्टर कंप्लीटिंग 30 years ऑफ सर्विस and received 30 years of service and received gratuity 2 lakh, gratuity 2 lakh हो गया। उसके लिखिए her last salary was 16,550 Find taxable gratuity. Find taxable gratuity assuming she is not covered under Gratuity Act। इससे पहले वाला क्या था, कवर्ड ना, ये वाला नॉट कवर्ड। फॉर्मेट बताइए ना, फॉर्मूला बताइए, स्टेप बताइए ना, मार दे उड़ा दे रहे। कितना रिसीव की बताइए, 2 लाख। पायल कितना रिसीव की, 2 लाख। एक्चुअल ग्रेचुटी कितना होगा, 2 लाख।
स्टेचुटरी अमाउंट तो 20 लाख सेम ना, थर्ड स्टेप वाला फॉर्मूला बोलिए कितना, 1/2 वो कवर्ड है ना, ये कवर्ड है, ये वाला केस क्या करा है, कवर्ड लिखवाए ना आपको, नॉट कवर्ड, ओके, हाफ इंटू 30 ईयर्स इंटू लास्ट सैलरी कितना बताइए, 16,550 कितना आएगा बोलो, बोलो कैसा था, 2,38,250 तीनों में छोटा कौन सा बाबू, ये वाला, ये वाला, अच्छा 2 लाख सबसे छोटा अमाउंट है, आंसर कितना होगा, टैक्सेबल कितना होगा, 2 लाख, दो, अच्छा 2 लाख ही मिला था ना, ठीक है उतारी नील, खाली रूल्स समझाना, समझ गया ना, उतारी 5 मिनट लगे, उतार लीजिए।